नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरी YouTube चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर कावेरी हालदार और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं होम्योपैथी की मेडिसिन मैकफॉस के बारे में। मैकफॉस बहुत ही अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको शरीर में कहीं भी दर्द हो, मस्कुलर पेन हो, आपको ऐठन हो, अगर आपको कहीं भी नर्व का पेन हो, तो उस कंडीशन में आप मैकफॉस का यूज कर सकते हैं। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। सारी ऐसी कंडीशन आपको पता चलेगी जहां पर आप मैकफॉस का प्रयोग कर सकते हैं और अपने रोजमर्रा में आने वाली जो भी शारीरिक तकलीफ है उसको दूर कर सकते हैं मैकफॉस से। तो अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। आइए अब बात करते हैं मैग्नीशियम फॉस की, मैकफॉस की। ये ग्रेट एंटी स्पास्मोडिक रेमेडी है दोस्तों। मतलब शरीर में कहीं भी आपको अगर दर्द है तो बस आप मैकफॉस ले लीजिए। जैसे आप एलोपैथी की डाइक्लोफेनिक खाते हैं ना, पेन किलर खाते हैं ना, आप उसी तरीके से होम्योपैथी की मैकफॉस खा सकते हैं। मैकफॉस आपके पेन को जो है वो फटाफट दूर कर देगी। आपकी आंखों में दर्द हो, सर में दर्द हो, या फिर आपके काफ मसल में दर्द हो, शोल्डर में दर्द हो, कहीं भी दर्द हो तो आप मैकफॉस का प्रयोग कर सकते हैं। गोइटर की कंडीशन में भी दोस्तों जो गलगंडा होता है उसमें भी मैग्नीशियम फॉस का यूज किया जाता है। गोइटर को ठीक करने में ये बहुत ज्यादा मदद करती है। आंखों का दर्द हो स्पेशली राइट साइड में, या टोसिस की कंडीशन है जो आपकी पलकें होती है ना वैसे लटक जाती है, उस कंडीशन में भी मैग्नीशियम फॉस यूज किया जाए तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। और अगर आंखों के सामने धुंधलापन दिख रहा है, आपको क्लियर विजन नहीं है, तो उस कंडीशन में भी आप मैग्नीशियम फॉस का यूज कर सकते हैं। अभी ठंडी का मौसम चल रहा है तो ठंडी हवा के कारण कभी कभी ऐसा होता है कि कान में दर्द होने लगता है ना, आंखों में दर्द होने लगता है। तो कान में अगर दर्द हो रहा है ठंडी हवाओं के कारण तो भी आप मैग्नीशियम फॉस का यूज कर सकते हैं। मैकफॉस आप 6x पोटेंसी में ले सकते हैं या 30 पोटेंसी में भी ले सकते हैं। ये आपके कान के दर्द को पूरी तरीके से ठीक कर देगा। दांतों में तकलीफ है, दांतों का दर्द है तो भी आप मैकफॉस ले सकते हैं। अगर कीड़े लग गए हैं तो उस कंडीशन में भी आप मैकफॉस मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि आप कैल्केरिया फ्लोर भी टूथेक में ले सकते हैं, उसी प्रकार से आप मैकफॉस भी टूथेक में ले सकते हैं। पर मैकफॉस का टूथेक में आपको गर्म चीजों से आराम मिलेगा, जैसे गर्म पानी की सिकाई से आपको आराम मिलेगा या गर्म सेक लगाएंगे आप तो आपको दांत दर्द में रिलीफ मिलेगा। तो अगर ये कंडीशन बन रही है तो आप मैकफॉस को ले सकते हैं। बच्चों के दांत निकलते हैं तो उसमें भी तकलीफ होती है, तो उस कंडीशन में आप कैल्केरिया फ्लोर भी ले सकते हैं और साथ में आप मैकफॉस भी। अगर टॉन्सिलाइटिस की कंडीशन आ गई है आपको, आपके टॉन्सिल्स है अगर उसमें सूजन आ गई, वो बढ़ गए, उसमें दर्द है ना, नेक में आपके थ्रोट में दर्द है, तो उस कंडीशन में भी आप मैकफॉस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सारे दर्द में काम करती है, तो इसी प्रकार अगर पेट का दर्द है, अगर कोलिक की प्रॉब्लम है तो भी आप मैकफॉस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। इसमें पेट दर्द ऐसा होता है कि पेशेंट्स को जो है ना दबा करके रखने से, झुकने से, ऐसा झुकने झुकेगा वो तभी उसको आराम मिलता है। तो अगर पेट दर्द में ऐसी कंडीशन है तो आप मैकफॉस मेडिसिन का यूज करेंगे तो पेट दर्द पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। फीमेल में भी अगर मेंसेस के दौरान, पीरियड के दौरान अगर दर्द है तो भी मैकफॉस मेडिसिन बहुत ही अच्छा असर करता है। डिसमेनोरिया के लिए बेस्ट मेडिसिन है दोस्तों मैकफॉस। सियाटिका के पेन में है ना, हाथ पैर के दर्द में, कमर के दर्द में, जितने भी प्रकार के दर्द है सब में मैकफॉस बहुत अच्छा काम करती है। तो दोस्तों अगर ये सारी कंडीशन है तो आप मैकफॉस को जरूर लीजिए। मैकफॉस को आप अपने घर में रख सकते हैं 6x पोटेंसी में, चाहे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, चाहे बूढ़े हो, किसी भी प्रकार का दर्द हो तो मैकफॉस को यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा रिलीव करती है। और सबसे अच्छी बात ये है कि दोस्तों इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट नहीं है। आप पेन किलर खाते हैं तो वो आपकी किडनी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है अगर आप रेगुलर पेन किलर खाते हैं, लेकिन उसके जगह पर अगर आप मैकफॉस का प्रयोग करेंगे तो ये तो एक तो आपके पेन को जल्दी से जल्दी ठीक कर देगी और कोई नुकसान भी नहीं करेगी। तो आई होप दोस्तों आज के वीडियो में आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें जानने को मिली होगी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूले और बने रहिए मेरे YouTube चैनल पर इसी प्रकार की अच्छी अच्छी मेडिसिन के नॉलेज के लिए। थैंक यू सो मच।